गरुड़ पुराण की इन सात बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अपने जीवन में कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अक्सर इसका पाठ व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में धर्म, नीति, ज्ञान, समुद्र शास्त्र, ज्योति आदि ज्ञान की बातें लिखी हुई है। गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का उल्लेख भी किया गया है जिन्हें धर्म में वर्जित माना गया है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में हम मनुष्यों के लिए बताई गई कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, वरना हमारे जीवन में हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं गरुड़ पुराण की सात ऐसी बातें जिनका ख्याल आप रखकर एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है संयम और सतर्कता। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में अगर हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान अवश्य उठाएंगे। इसीलिए जैसा शत्रु हो उसके साथ उसी प्रकार का नीति का प्रयोग करके उसे काबू में करना चाहिए। साफ और सुगंधित कपड़े ही पहने। अगर आप अमीर और धनवान सौभाग्यशाली बने रहना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप साफ और सुथरे ही सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। देखा गया है जो लोग धन और समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, फिर भी वे लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साफ और सुगंधित ही कपड़े पहनना चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान में नित्य अभ्यास, चाहे जितना कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान विद्या हो, याद रखने की कोई भी बात हो, वह अभ्यास से ही याद रखी जा सकती है। व्यक्ति अभ्यास करने से ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी भी नहीं भूलता। और यह भी कहा गया है कि रस्सी को बार बार पत्थर पर घिसने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, इसी तरह से निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास न करने से विद्या नष्ट हो जाती है। अगर ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास ना किया जाए तो भूल भी जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है हम जो भी पढ़ें उसका हमें एक बार तो अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ जाए। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है, भोजन से ही इंसान सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत होता है। हमें आधी से ज्यादा बीमारी इसी की वजह से होती है कि यहाँ हम असंतुलित भोजन करते हैं, जिस वजह से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए हमें उचित भोजन ही प्राप्त करना चाहिए, ऐसे में भोजन पाचन ठीक से काम करता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन तंत्र ठीक होगा तो हम रोगों से बचे रहेंगे। एकादशी व्रत, एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं, इस व्रत को कुछ नियम अनुसार ही रखना चाहिए।
इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी अनुचित तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी प्रभाव होगा वह खत्म हो जाता है। तुलसी का समझे महत्व। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के सिवा और अन्य कई पुराणों में बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भी रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देना तथा उसकी पूजा करने से अवरुद्ध स्थान खुल जाते हैं। इसे भगवान के प्रसाद के साथ ग्रहण करने से भी मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। विष्णु जी की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करना। किसी भी इंसान को मंदिर या किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को मंदिर या किसी देवी देवता का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना अवश्य पड़ता है और वह नरक का अधिकारी होता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर गंदे कार्य करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले और उनका गलत उपयोग करने वाले, धर्म और वेद पुराण पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी नरक से कोई बचा नहीं सकता। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहना है कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई इन सात बातों का आप अवश्य ध्यान रखें।